हिमाचल प्रदेश के कृषि सचिव सी पाल रासू ने आज सोलन सब्जी मंडी में महिला शक्ति द्वारा संचालित प्राकृतिक खेती उत्पाद बिक्री केंद्र का निरीक्षण और उद्घाटन किया। इस दौरान यहां पर रिटेल आउटलेट का निरीक्षण और प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों से भी सी पाल रासू ने संवाद किया। इस आउटलेट के माध्यम से किसान बागवान जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं वह अपने उत्पाद यहाँ पर बेच सकते हैं। योजना के अंदर एक रिटेल आउटलेट या सोलन सब्जी मंडी में मैं ये नहीं कहूँगा इनॉग्रेट किया, पे ये कहूँगा इसको इंस्पेक्ट करना और यहाँ के जो कितना भी जो प्राकृतिक खेती में जुड़े हुए किसान से इंटरेक्ट करने के एक बड़ा मौका मिला, उससे मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और गौरव भी महसूस कर रहा हूँ। कारण यही है क्योंकि ये जो इस रिटेल आउटलेट के माध्यम से जो कितना भी जो किसान बागवान जो प्राकृतिक खेती स्कीम के अंदर जो अपने उत्पादन कर रहे हैं उनको यह बेचने के एक माध्यम बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे के ऊपर ये बहुत बढ़िया से अच्छे के तरह मतलब जैसे जो माल पे हम जाते हैं उस तरीके जो ये दुकान बने हुए बहुत अच्छे मुझे लग रहा है। और दूसरा जो कितना भी टूरिस्ट आएंगे बाहर से उनको भी हमारा रसायन बिना उत्पादन होने वाले जो प्राकृतिक फसलें के जो प्रोडक्ट्स उनको भी मिलेगी, ताकि सारे जो इसमें बहुत बड़े अवेयरनेस भी क्रिएट होगी, सो उनको पता चलेगा ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपने भी ये देखा जो बिना रसायन फसल उत्पादन करना बड़ी कठिनाई इस तरीके जो सबके मन में होता है ऐसे नहीं है, जो बहुत किसान है इसको कर देखा। मुझे लग रहा है आने वाले समय में धीरे धीरे सारे जो हिमाचल के जो किसान बागवान जो बिना रसायन ये जो प्राकृतिक रूप में ये अपने फसलें उत्पादन करेंगे, मैं सबको इस अवसर पे मैं सबको मुबारक भी देना चाहूँगा और खास करके जो जो ये जो प्रोजेक्ट है प्राकृतिक खेती का जो प्रोजेक्ट है उनके जो प्रोजेक्ट ऑफिसर सबको रोडिंग पीढ़ी सबको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। शुरुआत है मतलब शुरुआत तौर पे हमने यहाँ ट्रैक है, जरूर हम हर जगह खोलेंगे धीरे धीरे। ये तो एक आउटलेट के माध्यम से इसको देखना नहीं चाहिए, इसको एक अवेयरनेस सो लोगों को ये पता होना चाहिए। सो नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से भी हम फसलें उत्पादन कर सकते हैं, इसे मिलता है इस तरीका आई थिंक इट विल क्रिएट अवेयरनेस।